मैं आपको बीच में रोक रही हूं हर्षवर्धन जी, क्योंकि अजित पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। अजित पवार अब फ्रेम में नजर आने लगे हैं। अब यहां से अजित पवार क्या कहते हैं इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। अजित पवार क्या संदेश एनसीपी को देंगे, क्या संदेश अब वो शरद पवार को देंगे, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। साथ में देखिए छगन भुजबल मौजूद है जो मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। सबसे ज्यादा नजर प्रफुल्ल पटेल पर भी रही, कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल वो भी अजित पवार के साथ अगर पहुंच गए तो आगे क्या भूमिका रहेगी, ये आप जरूर देखने वाली बात है। प्रफुल्ल पटेल को इस वक्त आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, जहां एक तरफ छगन भुजबल बैठे हुए हैं तो दूसरी तरफ प्रफुल्ल पटेल भी बैठे हुए हैं। वही प्रफुल्ल पटेल जिन्हें शरद पवार का भी काफी करीबी कहा जाता है। प्रफुल्ल पटेल का अजित पवार के साथ टूटकर आना और फिर सरकार में अजित पवार का शामिल होना, एक बार फिर से डिप्टी सीएम बनना, ये बहुत बड़े बड़े इशारे कर रहा है। उन इशारों का अब क्या निष्कर्ष निकलेगा, आगे महाराष्ट्र की सियासत किस कदर अब घूमेगी, ये देखने वाली बात, सुनिए जरा। पत्रकार परिषदेला उपस्थित असणारे राज्य कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल साहेब, तसेच मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ मंत्री भुजबळ साहेब आणि सर्व पत्रकार प्रतिनिधी, आज आम्ही सगळ्यांनी एक निर्णय घेऊन हे जे काही सरकार आहे शिंदे फडणवीस साहेबांचं सरकार, म्हणजे शिवसेना शिंदे आणि भाजप त्या सरकारमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि त्याचे आम्ही बहुसंख्य जवळपास आमदार पक्ष सगळ्या पक्ष असं आम्ही त्याच्यामध्ये जायचा निर्णय घेतलाच मंत्री सरकार, आणि त्या प्रकारे मी आणि सहकाऱ्यांनी शपथ लिया है, शपथ घेतली आज राज्यपाल महोदय ने शपथ दिलाया है, शपथ दिली। अजूनही काही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, इतर सहकारी मित्र जो सहयोगी दलों के मित्र हैं उनको भी इसमें जगह दी जाएगी, कई राज्य मंत्री के पदों मंत्री पद दिए जाएंगे। या संदर्भामध्ये बहुत दिनों से चर्चा चल रही, चर्चा त्या ठिकाणी चालू होती, ती चर्चा चालू असताना वरिष्ठ पातळीवरचे आम्ही सगळेजण एकत्र बसायचो। सध्या देश पातळीवरची जी काही राजकीय परिस्थिती आहे, राजकीय परिस्थिती राज्याची जी काही परिस्थिती आहे, आणि या सगळ्याचा विचार करता आपण विकासाला महत्व दिलं गेलं पाहिजे असं माझ्या सगळ्या सहकाऱ्यांचं स्पष्ट मत त्या ठिकाणी आलं, आणि त्याच्यातून देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 साल में जो विकास हुआ है, अगर हम देखें तो काफी मजबूती से देश आगे बढ़ा है। मोदी साहब त्या ठिकाणी करता है, प्रयत्न करता यही सब सोचते हमने सोचा कि समर्थन देना चाहिए, सगे विरोधी पक्ष एकत्र येण्याचा प्रयत्न करतायत, फक्त त्यांच्या बैठका होतात, प्रत्येकाचं वेगवेगळ्या राज्यामध्ये पक्ष ते नेता परिस्थिती अलग अलग नेता कुठलाही अलग अलग जगह पर मीटिंग करके साथ आने की कोशिश कर रहे हैं, पक्ष तृणमूल कांग्रेस, लेकिन कहीं पर कांग्रेस और ममता बनर्जी ही साथ में आमने सामने है, कहीं पर केजरीवाल और कांग्रेस आमने सामने है, तो वहां पे काफी प्रश्न है निर्माण हो रहे हैं। ज्यावेळेस विरोधी पक्षाची बैठक एकत्र होती त्याच्यातनं उनके मीटिंग का या उनके साथ आने का कोई आउटपुट मोठा देशाचा तर दिख नहीं रहा है, जास्त लोकसंख्या झालेला आपला भारत देश असल्यामुळे आज तिथेही मजबूत खंबीर अशा भारत को आज मजबूत नेतृत्व की जरूरत है, ही गरज असल्यामुळे आम्ही इसीलिए हमने ये निर्णय लिया है। आज इथं शिंदे साहेबांचं देवेंद्र फडणवीसांचं सरकार काम करत, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस काम करत होतो, परंतु सरकार के सामने मैं विरोधी पक्ष के नेता के तौर पर काम कर रहा था, लेकिन आज मैंने इस्तीफा दिया। सर्वांच्या समोर मान्यवरांच्या समोर कार्यकर्त्यांच्या समोर त्या ठिकाणी मांडलेली होती, आजपर्यंत आम्ही सगळ्यांनी भुजबळ साहेबांनी राष्ट्रवादीची स्थापना ज्या वेळेस झाली त्यावेळेस ए ट्रेनला तेच तिथं राहत होते, तिथंच पिछले 24 वर्ष भुजबळ साहेब वाढण्याच्या करता
जब से पक्ष की स्थापना हुई कई तरीके से पक्ष को आगे बढ़ाने की कोशिश की, शरद पवार के मार्गदर्शन में काम किया है। लेकिन बाद के समय में युवाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए, ढाई साल तक जिसमें भुजबल साहब के साथ भी थे और हमने विकास की तरफ ध्यान दिया था। कई लोग अलग अलग तरह से टीका टिप्पणी करेंगे लेकिन हमें उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमें महाराष्ट्र का विकास चाहिए, सर्वांगीण विकास चाहिए। महाराष्ट्र को विकास कैसे मिलेगा और विकास पथ कैसे आगे बढ़ेगा, और सरकार को मदद करने के लिए, सारे घटक दलों को मदद करने के लिए हमने ये निर्णय लिया और ज्यादा से ज्यादा विधायकों को, एनसीपी के विधायकों को ये निर्णय मानने हैं। हम बतौर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस सरकार में शामिल हुए हैं। कोई भी इसके बाद जो भी चुनाव होंगे, लोकल बॉडीज के चुनाव होंगे, हम एनसीपी के नाम पर और उसी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे और एनसीपी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यही वजह है कि हम लोग मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। दुसरे तुम्हाला माहिती असेल मधी नागालँड में इसके पहले चुनाव हुआ था, सात विधायक जीते थे, सातों के सात विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे। पक्ष त्यांच्याबरोबर तिथे गेले, म्हणजे सगळे आमदार पक्षाची मान्यता घेऊन तिथे गेलेले। दुसरी गोष्ट, काही जण वेगवेगळ्या प्रकारचे आरोप त्या ठिकाणी करतील, वास्तविक आम्ही साडेतीन साल पहिले जो मैंने त्याही वेळेस निर्णय जो लिया था जिसमें शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, उस सरकार में भी काम किया था। जातीयवादी म्हणण्याचा अधिकार जर आम्ही शिवसेने बरोबर जाऊ शकतो, मैं उस वक्त भी कह रहा था कि शिवसेना के साथ अगर हम जा सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जा सकते हैं, अगर नागालैंड में बीजेपी के साथ जा सकते हैं तो महाराष्ट्र में राज्य के विकास के लिए हम बीजेपी के साथ क्यों नहीं जा सकते। हमारे पास राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का बहुत सालों का अनुभव है, हमारे पास जो भी डिपार्टमेंट आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, हम उसमें पूरी तरीके से मन लगा के काम करेंगे और साथ ही अपने पक्ष को बढ़ाने का काम करेंगे। यही हम सबका सोचना है। आज कई लोग यहाँ पे पहुँच नहीं पाए, कुछ लोग विदेश में है लेकिन सब के साथ फोन पर संपर्क में है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लोक प्रतिनिधि है, उन लोगों ने भी हमें कहा कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कर ही इस सरकार
में तीसरे घटक दल के रूप में शामिल हुए हैं। हमने पार्टी नहीं छोड़ी है, हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तौर पर ही इस सरकार में शामिल हुए हैं। हम लोगों ने जो निर्णय लिया है सब मिलकर किसानों का प्रश्न है, बेरोजगारों का प्रश्न है, सकारात्मक काम करने की जरूरत है इन मुद्दों पर। एक बात पक्की है, देश के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी साहब, हम लोगों ने कई बार उन पर टिक्का टिप्पणी की है, जो बहुत ही मजबूती के साथ नेतृत्व देश को दे रहे हैं। उनका जो काम हुए विकास का, चाहे महाराष्ट्र सरकार का हो चाहे भारत सरकार का हो, हमारे सवालों के समाधान करने की कोशिश जो है वो की जाती है। एक आता जे दादा ने सांगितलं की पटनाला सुद्धा जी काही मीटिंग झाली, आपण पाहतो एकूण याच्यावर राबवतो, एकूण त्याच्यावर राबवतो, हा निघून जातो तो निघून जातो, येत नाही। त्यामुळे आपण जे पाहिलं आहे की एकूण या देशामध्ये जे सर्व पक्ष जे विरोधी पक्ष ते तरी कुठे एकत्र येत आहे आणि म्हणजे कर्नाटकाचं म्हणजे पवार साहेबांनी सुद्धा काही दिवसापूर्वी आम्हाला सांगितलं की पवार साहब ने खुद हमें कहा है, कई बार कहा है कि देश में तो मोदी साहब ही आएंगे, और हम लोग एक सकारात्मक विचार लेकर यहाँ पर आए हैं, और जो जनता का प्रश्न है सरकार को मदद करनी चाहिए उसके लिए, और सरकार की मदद लेनी भी चाहिए। प्रश्न काही सुटणार नाही, रास्ते पर रहके तो इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं निकाला जा सकता, सरकार में रहके ही निकाला जा सकता। लोग कह रहे हैं कि केसेस है इस वजह से गया, अजय दादा के ऊपर तो कोई केस नहीं है, मैं तो जेल से बाहर हूँ, करे के ऊपर कोई केस नहीं है, जयंत राव पाटिल के ऊपर केस नहीं है, नहीं बल से पाटिल के ऊपर केस नहीं, संजय बंसोड़े पर केस नहीं, हसन मुश्रीफ आहे पण त्याच्यावर सुद्धा आपण त्यांना पाहतो की त्यांची केस सुद्धा चांगली, हसन मुश्रीफ पर जरूर है, अजूनही जे आहे त्यांच्यावर आरोप ठेवून जी कठोर कारवाई आहे ती कारवाई केली नाही कोर्टाने, त्यांना बरोबर जे आहे कोर्ट जे आहे ते आता आता पुढे ढकलत आहे, असं आहे की मजबूत असं काही खिलाफ भी कुछ मजबूत या ठोस सबूत नाही मिळत आहे, उगीच काहीतरी कोणीतरी बाण आमच्यावर लावण्याचा प्रयत्न करू नये। ठीक आहे, आम्ही आमची निर्णय निर्णय ले लिया है, आप अपना काम करें, हिंदी 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 नादालंड हिंदी नादालंड लेकिन मेरा आपको ये कहना है, आप एक हिंदी में बोल रहे हैं ना, इसमें आपने अपना भारत देश जब स्वतंत्र हुआ 1947 से, तब से आपने देखा तो कोई एक लीडर के नेतृत्व में देश आगे बढ़ता है। शुरू में अलग था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में देश जब काम कर रहा था, देश में जब ये लोग काम कर रहे थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाकी के जो लोग बहुत से थे उन्होंने सबने मिलकर वो देश चलाया। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, इनका नेतृत्व है,
उसके बाद इंदिरा जी का नेतृत्व आया। इमरजेंसी के वक्त इंदिरा जी को अपने देश के लोगों में थोड़ा सा बाहर उनको हरा दिया था, वो खुद भी हार गई थी, लेकिन उसके बाद वापिस जो लोग इकट्ठा हुए अलग अलग पार्टियों के, जिसको हम खिचड़ी बोलते हैं, वैसा हुआ, वो गवर्नमेंट ज्यादा चलाने अढ़ाई साल के अंदर ही चुनाव हुए। वापिस इंदिरा जी का नेतृत्व में उनका करिश्मा था, उनके नेतृत्व में ही सरकार आई। उसके बाद राजीव गांधी के नेतृत्व में सरकार आई, और ये सब होने के बाद बहुत सालों के बाद मैं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना 91 में, ये भी 91 में हम साथ साथ, तब एक कांग्रेस थी, कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते हम वहां चुनाव जीत के गए थे, तब देखा था। बहुत सालों से 1984 के बाद, ठीक तरह से सुनो, 1984 के बाद अपने देश में कोई भी एक ऐसा नेता कि उनके नेतृत्व में देश आगे जा रहा है, ऐसा कभी हुआ नहीं। अलग 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 गुट को एक करके देश को चलाने की कोशिश की गई, लेकिन 9 साल आपने देखे होंगे, उसमें नरेंद्र मोदी साहब का नेतृत्व में आज देश काम कर रहा है। वो बाहर भी पॉपुलर है, यानी एब्रॉड, बाहर अगर कोई भी देश में गए जाते हैं अपने भारत की तरफ से, तो सब उनको सपोर्ट देते हैं, सब उनको बहुत अच्छा नेतृत्व ऐसे बोलते हैं, और ऐसा होते हुए उनका भी काम चालू है। और ये काम करते वक्त आपने भी देखा, वंदे भारत ट्रेन हो या अलग अलग बहुत से कुछ रोड्स हो, नेशनल हाईवे के जो कुछ वो कुछ काम हुआ है या 9-10 साल में, वह जो अगर आपने देखा बाकी के डेवलपमेंट के बारे में, ऐसे सब ठीक तरह से चालू है। और सामने वाले विरोधक वो खुद का खाली अपना अपना स्टेट का देखते हैं, अपने अपने स्टेट का देखते हैं। एक कोई मुझे लीडर अपोजिशन में दिखाओ कि वो देश का सोचकर देश में काम कर रहा है, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। और इतना बड़ा पॉपुलेशन होते हुए हमें सबको ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में ही लोकसभा हो या आगे वाले चुनाव हो, वो सहयोगी पार्टी के नाते, जैसे हम इससे पहले कांग्रेस के साथ जाते थे, बीच में हमने शिवसेना के साथ हम 2.5 साल गए, वैसे अभी आगे विधानसभा हो, लोकसभा हो, लोकल बॉडीज का तो चुनाव वहां के डिस्ट्रिक्ट के हमारे कार्यकर्ता सोचेंगे, वहां के लीडर सोचेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन स्टेट के और देश के जो चुनाव है उसके बारे में हम साथ साथ जाना चाहते हैं। और इसीलिए महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए और देश और मजबूत होना चाहिए और आगे जाना चाहिए, जो कुछ आज थोड़े बहुत प्रॉब्लम होते हुए वो सॉल्व करने के लिए भी सबने एकजुट होके उसका मुकाबला करना चाहिए। इसी माध्यम से हमने सबने मिलकर ये डिसीजन लिया है, पार्टी के नाते हमने ये डिसीजन लिया है, और ये होते हुए पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। इसीलिए आज मैंने डिप्यूटी चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ ली, बाकी के हमारे सीनियर नेता और नया भी कुछ लोगों को हमने आज तक इस गवर्नमेंट में लेडी को प्रतिनिधित्व नहीं था, आगे शायद वो देंगे, लेकिन हमने वो भी सोचा, और यंग जनरेशन को भी हमने कैबिनेट मिनिस्टर के नाते, जैसे पहले मुझे याद है भुजबल साहब के नेतृत्व में हमने जब 99 में चुनाव लड़ा था, तब हम यंग थे, मैं, आर आर पाटिल, दिलीप वैसे पाटिल, जयंत पाटिल, हम सुनील तक्करे, हम सब यंग लोगों को मौका मिला था। अभी वैसा ही या अपना अदिति तक्करे हो या अनिल भाईदास पाटिल हो, ऐसे अलग अलग नए लोगों को भी हमने उसमें शामिल किया गया है, और उसमें ट्राइबल को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, शेड्यूल कास्ट को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, माइनॉरिटी को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए,
लेडीज को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ऐसा सब सोचकर ओबीसी को भी प्रतिनिधित्व ज्यादा मिलना चाहिए, ऐसा सब सोचकर हमने ये मिनिस्ट्री में मौका दिया है। और आगे भी जो हम जब बात सीएम साहब के साथ करेंगे, बाकी डीसीएम साहब साथ के करेंगे, बैठेंगे तो बाकी के भी लोगों को और मौका देने की हमारी कोशिश है। एकाने विचार विनंती करतो, मैंने जो कुछ कहा है वो सब के आपके सामने रखा। क्या? अरे एक आदमी पूछो ना। आमच्याकडे सर्व आकडा आहे, आम्ही काय एक मिनिट आकडा काय, आमच्या बरोबर सगळे आमदार आहेत, आपण काळजी करू नका, आकडा सांगायला काही मटक्याचा आकडा काढायचा नाही आपल्याला, त्याच्यामुळे तुम्ही तो काही विचार करू नका, सगळेजण आमच्या बरोबर आहेत, पार्टी आमच्या बरोबर आहे, आम्ही सगळ्यांना त्या ठिकाणी वरिष्ठ डेमोक्रेसीमध्ये बहुमत महत्व दिया जाता है, आजपर्यंतची परंपरा आहे, आणि त्या पद्धतीनं पाठीमागच्या काळामध्ये देखील काँग्रेस मध्ये राष्ट्रवादी पहिले देखा होगा काँग्रेस से हटके राष्ट्रवादी भुजबळ साहेब प्रफुल्ल भाई काँग्रेस पार्टी बनी थी, आणि भुजबळ साहेब और छगन भुजबळ साहब ने प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबळ साहब ने साथ दिया था। 24 सालों से हमने इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है, बहुत नवीन नेतृत्व सामने आगे आना चाहिए, प्रश्न सुटले पाहिजे, शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटले पाहिजे, कारण गेले एक वर्षभर विरोधी पक्ष नेता या नेत्यांनी काम करत असताना किंवा भुजबळ साहेब आणि बाकीचे सगळे जण विरोधी पक्षाचे आमदार म्हणून काम करत असताना फार बारकाईनं वेगवेगळ्या समस्या पाहिलेल्या आहेत। उद्याच्याला ज्यावेळेस कॅबिनेट होईल बुधवारी वगैरे, तर त्यावेळेस आम्ही ते मुद्दे समोर आणून सरकारच्या माध्यमातून ते वेगवेगळे विषय हाताळण्याचं काम करू, दिलासा देण्याचं काम करू, आणि त्याच्यामध्ये कुठल्याही परिस्थितीमध्ये असे कुठले विषय येणार नाही की ज्याच्यातनं आम्ही तीन पक्षांचं सरकार चालवत हे सरकार चालवत असताना अडचणी निर्माण होतील, कारण तीनों पक्ष मिलकर सरकार चलाएंगे तो प्रयत्न करून पाहिला, आणि त्याच्यामुळे साहजिकच काही सहकाऱ्यांना बरोबर घेऊनच सरकार बनवावं लागतं, हे 90 पासून आपण बघत आलेलो आहात, म्हणजे भाजपा शिवसेनेचं सरकार असेल मागं किंवा साहेबांचं सरकार असेल, सुधाकरराव नायकांच्या सरकारमध्ये सरकार बनवली आहे, आणि त्याच्यानंतर अधिक म्हणजे सुरुवातीच्या काळामध्ये लोकांचं आणि भुजबळ साहेबांचं सरकार, त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये सुशील कुमार शिंदे विजय सिंह मोहिते पाटलांचं सरकार, त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये अशोक चव्हाण साहेब आणि आर आर पाटलांचं सरकार, अशा प्रकारे अनेक सरकार आली, आणि त्याच्यामध्ये आम्ही वेगवेगळ्या वेळेस वेगवेगळे निर्णय राजकीय पक्षांना घ्यावे लागतात, परंतु असे निर्णय घेत असताना निर्णय लेते वक्त ये सोचा जाता है कि जिस निर्णय में राज्य का हित हो, देश का हित हो, वही निर्णय अशा प्रकारचे निर्णय घ्यावे लागतात, आणि तशा प्रकारचा निर्णय तशा प्रकारचा निर्णय आम्ही सगळ्यांनी मिळून घेतला। सबको देंगे ना, आपको भी देंगे, पर एक को पूछो। सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों का हमें आशीर्वाद है, सभी एक सभी सभी का आना सभी भी सब आते हैं।
मी आता सांगितलं ना की विधानसभा लोकसभा आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि घड्याळ या चिन्हावर आणि त्या पक्षाच्या नावावरच निवडणुका लढवणार. खासदारकीच्या निवडणुका, आमदारकीच्या निवडणुका आणि लोकल बॉडीच्या निवडणुका भंडारा गोंदियाचे तिथले स्थानिक लोक निर्णय घेतील. हमारे साथ सभी विधायक है और हमारे साथ सभी पार्टी के लीडर है, सभी का हमें आशीर्वाद है. नंबर आपको नंबर सभी सभी आगे सभी कुछ सर्वांशी फोनवर बोलणार. किसने कहा? आपस की चर्चा में बोल दिया. वो हम जब सब बैठते हैं तब ऐसी बातें ऐसी चर्चा होती है. हम सब लीडर लोग महाराष्ट्र के जो है सब बैठते हैं, इवन हमारे सब विधायकों के साथ सबके साथ. आपको आगे देखने को मिलेगा ही ना, हम क्या कहीं भाग नहीं रहे. आपको सब देखने को मिलेगा. बहुत अच्छी तरह से हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर बढ़ाएंगे. हम राष्ट्रवादी पार्टी के और भी ज्यादा वर्कर्स पार्टी में कैसे आएंगे वो देखेंगे. हम अभी पावर में आए हैं. पावर में आके अलग अलग रीजन जो है वहां के जो सवाल है वो सवाल हल करने के लिए हम पूरी कोशिश हमारी रहेगी. उसके बारे में हमारे सबके साथ बात हुई है. ये देखो मैंने जो बताया वो ऑफिशियल है, ऐसा मेरा कहना. धन्यवाद. तो महाराष्ट्र के नए डिप्टी सीएम अजित पवार को आपने सुना, जिन्होंने बड़ी बात यह कही कि एनसीपी के तौर पर वो सरकार में शामिल हुए हैं. यानी सीधी सीधी बात उन्होंने कही कि एनसीपी पार्टी हमारी है, चुनाव चिन्ह हमारा है, एनसीपी एक पार्टी के तौर पर शामिल हुई है, हम एनसीपी से अलग होकर सरकार में शामिल नहीं हुए हैं. तो जिस बात का जिक्र किया जा रहा था कि संख्या बल के लिहाज से अजित पवार काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही हैं, वही स्ट्रांग बातें भी अजित पवार कहते हुए नजर आए, वही बातें अजित पवार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हुए नजर आए. अजित पवार ने साफ कर दिया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस का नाम हमारा है, चुनाव चिन्ह हमारा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ हम आगे आने वाले चुनावों में मिलकर लड़ेंगे, लेकिन एनसीपी के तौर पर लड़ेंगे, हम एक पार्टी के तौर पर लड़ेंगे, हम एनसीपी से अलग नहीं हुए हैं. यह बड़ी बात अजित पवार की तरफ से कही गई. दूसरी बड़ी बात जो अजित पवार की तरफ से कही गई वो विपक्षी गठबंधन को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि कोई भी मोदी के खिलाफ एकजुट नहीं हो सकता है, मोदी के खिलाफ पूरा का पूरा विपक्ष बिखरा हुआ है, चाहे फिर वो कांग्रेस और केजरीवाल की लड़ाई हो, कांग्रेस फिर टीएमसी की लड़ाई हो. लेकिन सीधे तौर पर अब आगे महाराष्ट्र में क्या होने जा रहा है यह अजित पवार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बता दिया है. अब आगे लड़ाई एनसीपी पर अधिकार की है. इसमें अजित पवार ज्यादा स्ट्रांग हैं, ज्यादा मजबूत हैं, क्योंकि जिस संख्या बल का जिक्र अभी तक अजित पवार की तरफ से किया गया है, कुल 53 विधायक हैं, जिसमें से 40 विधायक अजित पवार के पास हैं, इसलिए अब पार्टी पर वो अपना अधिकार भी चाहते हैं. एक बार फिर सुनाते हैं अजित पवार ने क्या कहा. आपने अपना भारत देश जब स्वतंत्र हुआ 1947 से, तब से आपने देखा तो कोई एक लीडर के नेतृत्व में देश आगे बढ़ता है. शुरू में अलग था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में देश जब काम कर रहा था, देश में जब ये लोग काम कर रहे थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल,
बाकी के जो लोग बहुत से थे उन्होंने सबने मिलके वो देश चलाया। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री इनका नेतृत्व आया, उसके बाद इंदिरा जी का नेतृत्व आया। इमरजेंसी के वक्त इंदिरा जी को अपने देश के लोगों ने थोड़ा सा बाहर उनको हरा दिया था, वो खुद भी हार गई थी। लेकिन उसके बाद वापिस जो लोग इकट्ठा हुए अलग अलग पार्टियों के, जिसको हम खिचड़ी बोलते हैं, वैसा हुआ, वो गवर्नमेंट ज़्यादा चला नहीं। 2.5 साल के अंदर ही चुनाव हुए। वापिस इंदिरा जी का नेतृत्व में उनका करिश्मा था, उनके नेतृत्व में ही सरकार आई। उसके बाद राजीव गांधी के नेतृत्व में सरकार आई। और ये सब होने के बाद बहुत सालों के बाद मैं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना 91 में, ये भी 91 में, हम साथ साथ तब एक कांग्रेस थी, कांग्रेस के वे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते हम वहाँ चुनाव जीत के गए थे, तब देखा था। बहुत सालों से 1984 के बाद, ठीक तरह से सुनो, 1984 के बाद अपने देश में कोई भी एक ऐसा नेता कि उनके नेतृत्व में देश आगे जा रहा है, ऐसा कभी हुआ नहीं। अलग 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 गुट को एक करके देश को चलाने की कोशिश की गई। लेकिन 9 साल आपने देखे होंगे, उसमें नरेंद्र मोदी साहब का नेतृत्व में आज देश काम कर रहा है। वो बाहर भी पॉपुलर है, यानी एब्रॉड, बाहर अगर कोई भी देश में जाते हैं अपने भारत की तरफ से, तो सब उनको सपोर्ट देते हैं। तो अजीत पवार ने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगे क्या होने वाला है महाराष्ट्र की सियासत में, ये बिल्कुल साफ कर दिया है। मेरे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ हैं और बीजेपी नेता राम कदम हमारे साथ हैं। स्वागत है राम कदम जी आपका इंडिया टीवी पर। ये क्या कर दिया आप लोगों ने, कितने भूचाल लेकर आएंगे महाराष्ट्र की सियासत में, या ये यूं कहूं कि कितने झटके देंगे अभी आप एमवीए को आगे? और देखिए, मूलतः विषय यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर और विगत 9 वर्षों के कार्यकाल में जिस प्रकार से महाराष्ट्र में काम हुआ है, पूरे देश में काम हुआ है, विकास की दृष्टि से एक हर विषय को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्पर्श करते हुए देश के उत्थान का एक बहुत बड़ा जो महान कार्य हो रहा है, उससे प्रभावित होकर स्वाभाविक रूप से अन्य दलों के नेता, विधायक, सांसद भी निश्चित तौर पर मोदी जी से प्रभावित हो रहे हैं। और वही चित्र आज हमने महाराष्ट्र में श्रीमान अजीत दादा पवार के रूप में देखा। वे, उनके साथी विधायक, उन्होंने हमारे साथ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास रखते हुए उन्होंने जिस प्रकार के काम किए हैं, उन कामों की प्रशंसा करते हुए और एक विकास की ओर जाना, ये अपनी मंजिल को स्पष्ट करते हुए उन्होंने आज शपथ ग्रहण किया है। महाराष्ट्र में पहले ही हमारे पास आंकड़े थे, हम मजबूती के साथ सरकार बना रहे थे, पर हम संसदीय ढांचे को मानते हैं, हम लोकतंत्र को मानते हैं, और कोई विकास की बात करके, विकास के विषय को लेकर के कोई जुड़ना चाहता है तो हर विषय, हर उस व्यक्ति विशेष का स्वागत है। लेकिन अब सीधे सीधे अब आप पर निशाना ये साधा जा रहा है, संजय राउत जो लगातार इस पूरे मसले पर अपनी नजर भी बनाए हुए हैं और लगातार सोशल मीडिया के जरिए अपनी राय भी रख रहे हैं, संजय राउत कह रहे हैं कि ये कोई बहुत बड़ा भूकंप या कोई बहुत बड़ा चमत्कार आप लोगों ने नहीं कर दिया है, निजी हित था दरअसल ये, जिन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी वो अब आपकी लॉन्ड्री में आकर धुल जाएंगे। चलिए राम कदम जी से संपर्क हमारा टूट गया है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जो बातें अभी अजीत पवार की तरफ से कही गई, सबसे बड़ी बात उन्होंने क्लियर कर दिया कि आगे महाराष्ट्र में क्या होने जा रहा है। उन्होंने बता दिया कि अब एनसीपी पर अधिकार उनका है, उनके साथ आए साथियों का है। क्या होगा आगे शरद पवार का? देखिए, अगर एक बात उसमें बहुत महत्वपूर्ण है जिसको देखना चाहिए, प्रफुल्ल पटेल उनके साथ बैठे हुए, 2 कार्यकारी अध्यक्ष हैं इस वक्त एनसीपी में, उनमें से एक प्रफुल्ल पटेल है। और अगर विधायकों की संख्या के लिहाज से देखें तो अजीत पवार के साथ नंबर हैं, ज्यादातर बड़े नेता हैं। जब
पार्टी के दावे के तौर पर जाएगा तो अभी दूसरी एक चीज देखनी होगी कि जो जिलाध्यक्ष हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो नेशनल एग्जीक्यूटिव है वो किस तरह से है। लेकिन जितने एक तरह से कहें कि आत्मविश्वास के साथ अजीत पवार इस बार बोल रहे हैं, आपको ध्यान होगा जब पिछली बार वो गए थे मुंह अंधेरे, उन्होंने शपथ ले ली थी तो वो बाहर नहीं आए थे, वो अपने घर में चले गए थे, टीवी कैमरों पर भी बस उनकी शीशे के पार से घूमते हुए तस्वीरें दिख रही थी। इस बार बाकायदा वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनके विधायक बोल रहे हैं और वही लोग बोल रहे हैं जैसे धनंजय मुंडे, मुझे याद है कि लग रहा था कि वो अजीत पवार के साथ है, बाद में शरद पवार का पांव छूकर बैठ गए। तो इस बार की स्थितियां बिल्कुल अलग है और वो बहुत साफ साफ कह रहे हैं कि अगर नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी के साथ हम जा सकते हैं तो यहां क्यों नहीं जा सकते, और वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम ही एनसीपी हैं, एनसीपी कोई और नहीं है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि पार्टी और पूरी जो विधानमंडल दल है उस पर वो दावा ठोक रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अजीत पवार अपनी मजबूती दिखा रहे हैं, अजीत पवार अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं अपने बयानों के जरिए, ना सिर्फ बयान बल्कि अपने पास जो संख्या बल मौजूद है उसके जरिए भी सीधा सीधा संदेश दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में अब एनसीपी की राजनीति अजीत पवार के नाम से ही होगी। लेकिन अगर इसे शरद पवार के लिहाज से समझा जाए हर्षवर्धन जी, तो इसे कैसे समझेंगे वो शरद पवार जो विपक्षी दलों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे थे, जो ये समय निर्धारित कर रहे थे, जगह निर्धारित कर रहे थे कि अगली मीटिंग कहां होनी है विपक्षी दलों की, उनके तो अपने घर में ही फूट पड़ गई, ये हो गया कि पार्टी भी हाथ से निकल गई। देखिए शरद पवार के हाथ से पार्टी तो बहुत लंबे समय से निकली हुई सी दिख रही थी, लेकिन ये सही बात है कि अपनी ताकत और अपनी जिद के बल पर शरद पवार ने उसको थामे रखा था। लेकिन जो काम शरद पवार ने 27-28 साल की उम्र में किया वही काम अजीत पवार उनके साथ कर रहे हैं। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि भले अजीत पवार की अपनी महत्वाकांक्षाएं नहीं हो, लेकिन यह तो सच है ना कि शरद पवार ने जिस तरह से पार्टी के भीतर अजीत पवार को अपमानित किया, उनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया, अपनी बेटी सुप्रिया सुले के हाथ में सारी कमान दे दी, मुझे लगता है वो रणनीतिक भूल थी। भले ही ये कहा जाए कि अजीत पवार तो भाजपा के साथ जा रहे थे, शरद पवार ने मास्टर स्ट्रोक कर दिया, चाणक्य की भूमिका निभा दी, लेकिन सवाल यही है कि जब आपकी पार्टी एक छोटे से हिस्से की पार्टी हो और उसका एक आधार तय है, उस आधार से आगे नहीं जा पाई, और उसमें जो सबसे बड़ा नेता है आपके बाद का, उसी को अगर आप कट करने की कोशिश करेंगे तो उसका नुकसान होगा। हालांकि इस मामले में अभी शरद पवार को सुनना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो जो कुछ आ रहा है वो संजय राउत के हवाले से आ रहा है। तो मतलब कमाल की बात यह है कि जब से भाजपा से शिवसेना अलग हुई है उद्धव ठाकरे वाली, तब से संजय राउत शिवसेना से ज्यादा शरद पवार के स्पोक्स पर्सन दिखते हैं। तो अभी प्रतीक्षा करनी चाहिए कि शरद पवार क्या बोल रहे हैं, जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी एक कहा जा रहा है कि शायद वो पुणे में या कहीं करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उसके बाद ही कुछ और कहा जाना ठीक रहेगा। ठीक है त्रिपाठी जी, चूंकि संजय राउत का जिक्र आप कर रहे हैं, वो तो लगातार सोशल मीडिया के जरिए, ट्विटर के जरिए बता रहे हैं कि ये गठबंधन कैसे पहले से तय था, कैसे अजीत पवार का बीजेपी में जाना पहले से तय था, और एकनाथ शिंदे से इसे जोड़ रहे हैं क्योंकि जो बाकी विधायक एकनाथ शिंदे के साथ गए थे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, इस वजह से अजीत पवार गए हैं, बीजेपी को अपनी ताकत मजबूत करनी है, यानी वो ये संदेश दे रहे हैं कि अब एकनाथ शिंदे का कुछ नहीं होगा इस सरकार में। राजी, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और फिलहाल वो मुख्यमंत्री रहेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में अपने सबसे बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस को उनका उप मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार कर लिया, तो अब इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। और नरेंद्र मोदी अमित शाह की जो राजनीति है वो बहुत लंबे समय के लिए होती है, वो ऐसा नहीं होता है कि ये 6 महीने साल 2 साल की राजनीति हो। अगर वो राजनीति होती तो शायद जब अजीत पवार के साथ देवेंद्र फडणवीस गए थे और उसके बाद जब महाविकास अघाड़ी की सरकार बन गई थी तो भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र की राजनीति खत्म हो जाती, लेकिन वो खत्म नहीं हुई क्योंकि कई ऐसे व्यवहारिक पहलू होते हैं जो बड़ी परिवारवादी पार्टियों में, जो उनके बड़े नेता होते हैं उनके नीचे ऐसे लोगों की महत्वाकांक्षाएं दबती रहती। अब न एकनाथ शिंदे अपनी महत्वाकांक्षा दबाने को तैयार है और राजीत पवार उसको, जिसको कहते हैं ना कि उस महत्वाकांक्षा को हवा देने का काम निश्चित तौर पर दिल्ली से अमित शाह कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी अमित शाह वाली भाजपा कर रही है, देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें अब बहुत भ्रम नहीं है। एकनाथ शिंदे को भी पता है कि उनकी ताकत क्या है, और मैं तो बार बार वही वीडियो मुझे याद आता है जो गुवाहाटी से होटल से आया था कि एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि हमारे पीछे महाशक्ति है, वो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, तो उनको भी भ्रम नहीं है और देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को भी भ्रम नहीं है कि हम महाराष्ट्र की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी है वो राष्ट्र की राजनीति जो लोग कर रहे हैं वही तय कर रहे हैं। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से अजीत पवार की वो साफ भी हो गया।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।